बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कमरुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरीज़ इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यूअर्स, आज हम आपको एलन ब्रैडली की पीएलसी माइक्रोलॉजिस 1032 आईओ की पीएलसी के अंदर प्रोग्राम डाउनलोड करके दिखाएंगे कि प्रोग्राम जो है आपने जो बनाया हुआ है, अगर आप ये देखें तो हमने भी एक टेस्ट प्रोग्राम ट्रेनिंग के लिए ये बनाया हुआ है, छोटा सा प्रोग्राम है इसको बनाया हुआ है, इसको हम पीएलसी के अंदर कैसे इसको डाउनलोड करेंगे, यानी कि कैसे इसको हमारे लैपटॉप से पीएलसी के अंदर शिफ्ट करेंगे। इसके लिए हमने क्या किया हुआ है कि अपने प्रोसेसर को पीएलसी को हमने कनेक्ट किया हुआ है, पावर अप किया हुआ है, और अब हम एक तो इसको जो है आपको दिखाते हैं कि अगर आपका पीएलसी जो है वो लैपटॉप के साथ अगर एक मरतबा उसका ड्राइवर कन्फिगर होया हुआ है, कम्युनिकेशन आपने इस्टेब्लिश की हुई है, तो दोबारा आपको आरएस लिंक्स में जाकर दोबारा कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं से आप इसको हु एक्टिव गो ऑनलाइन में जाके और ऑनलाइन जा सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, इसने पीएलसी को डिटेक्ट किया हुआ है, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश्ड है। यहाँ से हम इसको ओके प्रेस कर देंगे तो हम ऑनलाइन चले जाएंगे। यहाँ पर एक बात ये देखिए, इस यहाँ पर लिखा हुआ है नेम जो लिखा हुआ है इसका पीएलसी का, माइक्रो लिखा हुआ है। इस माइक्रो के नाम से आपको ये समझ जाना चाहिए कि इस वक्त पीएलसी के अंदर कोई प्रोग्राम मौजूद नहीं है और ये फैक्ट्री सेटिंग पे पड़ी हुई है, यानी कि इसके अंदर कोई प्रोग्राम नहीं है। जैसे कि ये वेंडर से आती है, कंपनी से आती है, तो उसमें माइक्रो लिखा हुआ, हमने ओके प्रेस किया। उसके बाद क्रिएट न्यू फाइल, अपलोडिंग प्रोसेसर इमेज, ये आपको दिखाएगा कि इस वक्त पीएलसी में क्या पड़ा हुआ है। चूँकि हमने माइक्रो से अंदाज़ा लगा लिया था कि इसके अंदर प्रोग्राम नहीं है, तो ये सिंपली एक लाइन इसके अंदर है, और इसके अंदर जो ये लाइन है इसको हम बोलते हैं एलन ब्रैडली के अंदर रंग, ठीक है। बाकी पीएलसी इसके अंदर नेटवर्क बोलते हैं, इसके अंदर रंग बोलते हैं। और इसमें अगर आप देखेंगे रंग टू है, रंग टू कॉलन 0000, टू का मतलब ये है कि लेटर नंबर टू है, यानी कि फाइल नंबर टू है जो कि मेन प्रोग्राम की फाइल है। ये तमाम फाइलें जो हैं इसकी यहाँ लिस्टेड हैं, ये देखिए लेटर 2, 3, 4 से लेके 15 तक। तो हमारे इस वक्त जो है हम लोग इस फाइल के ऊपर खड़े हुए हैं, इस फाइल को देख रहे हैं। पीएलसी हमारी ऑनलाइन है, ठीक है, और यानी कि हम लोग पीएलसी के साथ ऑनलाइन में हैं और रिमोट प्रोग्राम में हम लोग पड़े हुए हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं कि अपना प्रोग्राम ओपन करते हैं जिसको हमने अपलोड करना है। फाइल ओपन, ओपन किया और हमारा डेस्कटॉप के ऊपर वो फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। वो फाइल हमने इसमें सेलेक्ट करनी है, ये ट्रेनिंग के नाम से फाइल है छोटी सी जो आपने शुरू में भी देखा होगा। तो वो कह रहा है कि अभी आप ऑनलाइन गए हुए हैं तो आप उसको पहले क्लोज़ करें। हमने बोला ओके, हमने इसको क्लोज़ किया। सेव चेंजेस टू माइक्रो, हमने बोला नो, हमने कोई काम ही नहीं किया, ठीक है, ये हमारा रुक गया। रुकने के बाद हमारी ये फाइल ओपन हो गई है। फाइल ओपन होने के बाद आपने क्या करना है कि जस्ट आपने यहाँ से डाउनलोड को क्लिक करना है। इससे पहले जो प्रोसीजर आपको बताया है वो इसलिए बताया है ताकि आप मेक श्योर कर लें कि आप ऑनलाइन हैं। हमने इसको डाउनलोड पर को क्लिक किया, इसने यहाँ पर एक रिवीजन नोट दिया कि जी आप इस तरीके से ये वाली फ़ाइल जो है वो इस पीएलसी के अंदर आप डाल रहे हैं तो आप इजाज़त देते हैं। हमने बोला ओके, ठीक है, अब ये बता रहा है कि ये प्रोग्राम है और ये पीएलसी है। हमने बोला ओके, अब ये प्रोसेसर इमेज जो है वो डाउनलोड कर रहा है हमारे पीसी से, हमारे लैपटॉप से पीएलसी के अंदर, ठीक है। प्रोग्राम की डाउनलोडिंग मुकम्मल हो गई। अब वो पूछ रहा है कि आप ऑनलाइन जाना चाहते हैं। हमने बोला ओके, हम जाना चाहते हैं। अब ये देखिए कि अभी हम ऑनलाइन चले गए, ठीक है, लेकिन स्टिल हमारी जो पीएलसी है वो रिमोट प्रोग्राम मोड में है। अगर आप इस हालत में अगर मशीन को चलाएँगे तो आपकी मशीन नहीं चलेगी, तो उसके लिए है कि आप यहां से रन मोड में जाना पड़ेगा आपको। इसको हम रन को क्लिक किया,
ये अभी आपसे पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू चेंज प्रोसेसर मोड टू रन, हम बोलेंगे यस। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एहतियातन मैं बता देता हूँ कि रन मोड में अपनी पीएलसी को ले जाने से पहले मेक श्योर कर लें कि आप रन मोड में जाने के लिए सेव हैं या नहीं। इस बात का मतलब ये है कि हो सकता है कि कुछ इनपुट कुछ आउटपुट्स ऐसी हों कि जो ही आप रन मोड में जाएं और वो आउटपुट्स ऑपरेट हो जाएं और ऑपरेट होने के बाद मशीन या मशीन का कोई पार्ट जो है वो रन करना शुरू कर दे, तो आप मेक श्योर करें कि आपकी तमाम की तमाम जो आउटपुट्स हैं वो सेफ़ हैं अगर वो ऑन कर दी जाएँ तो। बहरहाल ये एक एहतियाती तदबीर थी जो आपको बता दी है, तो लिहाजा हम इसको बोलते हैं ओके गो टू रन मोड। हम रन मोड में चले गए, ऑलरेडी हम ऑनलाइन थे पीएलसी के साथ, ये हमने रिमोट रन लिखा हुआ आ गया, रन मोड में चले गए। यहाँ भी देखेंगे कि आपको ये जो रंग्स हैं इसके ऊपर ग्रीन कलर की बार आ गई, ठीक है व्यूअर्स। और उसके बाद जो है हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं बेफिक्र हो गए, और यहीं से फिर हमारा लेक्चर मुकम्मल होता है। दोबारा हम इसको ऑफलाइन कर देते हैं, गो ऑफलाइन, ऑफलाइन चले गए, ये हमारी जो लेडर है रुक गई है, गो ऑफलाइन लिखा हुआ आ गया है, और इसको हम क्लोज़ कर देते हैं, फाइल क्लोज़। तो उम्मीद है कि आपको हमारा आज का जो लेक्चर है कि प्रोग्राम कैसे अपने लैपटॉप से पीसी में, लैपटॉप से पीएलसी में शिफ्ट करते हैं, डालते हैं, डाउनलोड करते हैं, समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, अल्लाह हाफिज़।